बस चलो चलो बता देना। मध्य प्रदेश की राजनीति में अचानक आए इतने बड़े उलटफेर से कई लोग काफी आश्चर्यचकित हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष यानी राहुल गांधी के तमाम नेताओं के बहुत ही करीबी थे, वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगे, कांग्रेस छोड़ देंगे, बीजेपी चले जाएंगे। ये समझने के लिए आपको समझना होगा पिछले एक साल के बीच हुआ घटनाक्रम, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते थे कि एमपी का मुख्यमंत्री बनाया जाए, वहां से उनको समझौता करना पड़ा। वो चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, वहां उनकी बात नहीं मानी, और अब फिर राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन राज्यसभा नहीं दी जा रही थी। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा, समय तक नहीं मिला। इन तमाम चीज़ों के बाद भी इतना कठोर कदम ज्योतिरादित्य सिंधिया उठाएंगे ऐसी संभावना नहीं थी, क्योंकि उनका जो कद पार्टी में है, संगठन में है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी ने उन्हें समझाया भी था कि वो भविष्य के नेता हैं और मध्य प्रदेश की कमान भविष्य में उनको दी जानी थी। इन तमाम चीज़ों के बीच राजनीतिक विश्लेषक और तमाम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा कदम किस बैकग्राउंड के साथ साथ किस भविष्य को लेकर इन्होंने उठाया होगा। तो दोस्तों, हमारे बीजेपी के सूत्र ये बता रहे हैं कि पूरी तरह से सेट होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कदम उठाया। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि इस समय जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उनको राज्यसभा भी भेजा जाएगा। यानी दो चीज़ें ज्योतिरादित्य सिंधिया की मानी गई है। साथ ही उनके जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश से, जो लोग रिजाइन देकर उनके साथ आए हैं, उनको भी समायोजित किया जाएगा उपचुनाव होने के बाद। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि इससे अलग जो महत्वपूर्ण बात हुई है, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह और जो पीएम से मिले हैं, वो ये कि वो चाहते हैं कि उनको मध्य प्रदेश में ही डिप्टी सीएम बनाया जाए। उनके पास तमाम कई महत्वपूर्ण जो पोर्टफोलियो हैं, जो मंत्रिपरिषद की जो सीट्स हैं, वो उनके चहेतों को दी जाए। यानी ये जो चीज़ें हैं वो तय हुई हैं। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं मध्य प्रदेश में उनका कद बढ़े, कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा तवज्जो उनको बीजेपी की तरफ से मिले। वो चाहते हैं मंत्रिमंडल में उनके जो साथी हैं उनको बेहतर मंत्री पद से नवाजा जाए, साथ ही उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। और इन्हीं बातों पर अब तक बात हुई है, ना कि जो जिस तरह से मीडिया का एक तबका चला रहा है कि उनको राज्यसभा के जरिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी वो एक्सक्लूसिव खबरें जो हमने आपसे शेयर की है, जो हमारे सूत्रों ने हमको बताई हैं। तमाम इस तरह की एक्सक्लूसिव खबरें मैं आपको बताता रहूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।